हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने तेजी बनते हुए देखी है लास्ट ट्रेडिंग डे में। और इस स्टॉक के 52 वीक हाई की बात करें तो ये तकरीबन 1700 रुपए के आसपास है, 52 वीक लो 311 रुपए है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तेजी बन रही है दीपक नाइट्राइट में, वो क्या आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है या इन स्तरों से ये शेयर नीचे लुढ़क जाएगा। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए लगातार इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आपको मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक के बारे में लगातार बताता रहता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपने अब सब्सक्राइब कर ही लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जो चार्ट है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके चार्ट पैटर्न में प्राइस पैटर्न किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग दीपक नाइट्राइट के टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं और ये डेली चार्ट है। तो इसके चार्ट को देख करके क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि ओवरऑल जो ट्रेंड है दीपक नाइट्राइट में वो अप ट्रेंड का देखने को मिल रहा है, यानी कि ये काफी बुलिश फेज में ये स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसने अपने उच्चतम स्तर में जाने के बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, अब ये इसमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोगों को जानना है कि क्या ये जो बाउंस बैक है ये सस्टेन करेगा और ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा या इन स्तरों से ये वापस नीचे लुढ़क जाएगा। इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग कैसे जाने कि क्या हो सकता है इस स्टॉक में आने वाले दिनों में, तो बात फिर वहीं पर आती है दोस्तों कि इसके फंडामेंटल को चेक करना पड़ेगा कि दीपक नाइट्राइट के फंडामेंटल्स कैसे हैं और रिसेंटली इसने अपने निवेशकों के सामने किस प्रकार का रिजल्ट प्रस्तुत किया है, उसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसके फाइनेंशियल को हम लोग चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पर हम लोग दीपक नाइट्राइट के लास्ट 5 इयर्स के रेवेन्यू को देख रहे हैं। इनके रेवेन्यू के ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है दोस्तों, इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और FY19 से इनके रेवेन्यू काफी हाई ग्रोथ में चले गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि रेवेन्यू तो इनके बढ़े तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ कि नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि जिस रेट से इनके रेवेन्यू बढ़े हैं उससे ज्यादा रेट से इनके नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए हम लोगों ने देखे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि बैलेंस शीट में इनके रिजर्व बढ़े या नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इनके जो बैलेंस शीट में रिजर्व हैं वो FY16 के रेस्पेक्ट में तकरीबन 3 गुना हो चुके हैं इन 5 सालों में। तो ये काफी अच्छी बात है जो कि दीपक नाइट्राइट के फंडामेंटल को दर्शा रही है कि बहुत मजबूत है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इनके जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टरली वो कैसे देखने को मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि इसके आने वाले Q4 के रिजल्ट कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो यहां देखिए इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए दोस्तों जून क्वार्टर के रेस्पेक्ट में, सितंबर क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में काफी ग्रोथ देखने को मिला, दिसंबर क्वार्टर में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। तो इस प्राइस पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें, इनके रेवेन्यू के पैटर्न को फॉलो करें, तो हम लोग ये मानकर चल सकते हैं कि इनके जो Q4 के नतीजे आएंगे उसमें भी इनके रेवेन्यू हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्वार्टरली बेसिस पर इनके नेट प्रॉफिट बढ़े या नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली बेसिस पर जून क्वार्टर के रेस्पेक्ट में, सितंबर क्वार्टर में इनके जो नेट प्रॉफिट है काफी ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं और दिसंबर क्वार्टर में और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये पूरे अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि इसके जो Q4 के
जो नेट प्रॉफिट आएंगे वो भी काफी ग्रोथ में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। इसके अभी तक के रिजल्ट के पैटर्न के अनुसार और इनके क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार, अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो बड़े निवेशक हैं एफआई, ये दीपक नाइट्राइट में किस प्रकार का व्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बड़े जो निवेशक हैं एफआई, वो दीपक नाइट्राइट में लगातार अपना स्टैक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो काफी कॉन्फिडेंट हैं दीपक नाइट्राइट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के, जिसके चलते वो लगातार अपना स्टैक दीपक नाइट्राइट में बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि चार्ट पर जो स्थिति बन रही है, इसमें लगातार जो गिरावट देखने को मिल रही थी, अब यहां से ये स्टॉक बाउंस बैक देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों? तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने अनुमान लगाया कि इसके जो क्वार्टर फोर के नतीजे आएंगे वो अच्छे रहेंगे, तो इस स्टॉक को इस लेवल से ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों लेवल की, कि लेवल क्या हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो लेवल लगा के रखा है दोस्तों, यहां पर देखिए ये स्टॉक जो है लगभग इन्हीं स्तरों से 1466 रुपीज से ये बाउंस बैक देता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला था। अब जो ऊपरी स्तरों पर ये जो हम लोगों ने रेड लाइन एक हॉरिजेंटल खींच रखा है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ये लेवल कहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों? ये 1600 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि दीपक नाइट्राइट को आने वाले दिनों में 1600 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और अगर ये 1600 के लेवल को तोड़ करके ऊपर निकलता है तो जो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस का सामना होगा वो तकरीबन 1700 के आसपास देखने को मिल सकता है। और जिस प्रकार से इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, हम लोग जरूर उम्मीद करेंगे कि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रेसिस्टेंस को ये स्टॉक तोड़ करके ऊपर निकलेगा। और लंबे समय की बात करें कि टारगेट कहां तक आ सकता है इसमें, तो यहां पर देखिए दोस्तों ये तकरीबन 1800 का लेवल है कि आने वाले दिनों में दीपक नाइट्रेट छू सकता है। अपने रिजल्ट के आधार पर, अपने फंडामेंटल मजबूती के आधार पर ये अवश्य छू सकता है, और टेक्निकल चार्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप की भी कोई राय है दीपक नाइट्राइट के बारे में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी भावनाओं को शेयर करें दीपक नाइट्राइट के बारे में, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।